फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस गोदरेज अलमीरा का। तो चलिए देखते हैं एक गोदरेज अलमीरा किस तरह की है। ये गोदरेज अलमीरा हमने ऑनलाइन से मंगाई है, तो इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस में इसके पार्ट्स आए थे। गोदरेज कंपनी के टेक्नीशियन दूसरे ही दिन आके इसे असेंबल कर दिया था। तो पहले इस तरह से उन्होंने सारे बॉक्सेस को ओपन कर लिया और सारे पार्ट्स को चेक करके जिस रूम में हमें असेंबल करना था उस रूम में रख दिया। ये गोदरेज अलमीरा की पैकिंग बहुत ही मजबूत थी और टेक्नीशियन को इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए आधा घंटा लग गया। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसके जो शेल्फ और ड्रॉवर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक किए गए हैं। इसके जो दो स्लाइडिंग डोर्स है वो भी काफ़ी हेवी है। बाकी इसके अलावा इसे असेंबल करने के लिए जो भी स्क्रू और नट्स चाहिए वो भी इसी पैकिंग में आ जाते हैं। हमने जो गोदरेज अलमीरा ख़रीदा है इसमें 7 शेल्फ है और 2 ड्रॉवर्स है। इसका वेट 130 किलो है और इसे बनाने के लिए जो प्राइमरी मटेरियल यूज़ हुआ है वो CRCA स्टील है। ये अलमीरा 4 कलर में अवेलेबल है, वाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक। मैंने ये ब्लू कलर में ख़रीदा है जो कि मेरे बेडरूम के कलर से मैच करता है। तो इस तरह टेक्नीशियन जिस रूम में हमें इसे असेंबल करना है वहाँ ये पार्ट्स रख दिए थे। तो उन्होंने इस तरह से फ्रेम जोड़ ली है जो काफ़ी मजबूत लग रही है। और फिर इस फ्रेम के आजू बाजू में जो अलमीरा के बाकी के पार्ट्स है उसे जोड़ लिया था। ये अलमीरा का नीचे का भाग है जहाँ पे ये 3 अलमीरा के पैर है जिसे घुमाकर अलमीरा को स्टेबल किया जा सकता है। तो जैसे आप अभी देख रहे हो शेल्फ की फिटिंग की जा रही है। अगर आपको चाहिए तो शेल्फ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी जैसे आप देख सकते हो ड्रॉवर्स की फिटिंग की जा रही है, तो आप देख सकते हो इसकी फिटिंग पूरी हो गई है और सिर्फ स्लाइडिंग डोर लगाना बाकी है। स्लाइडिंग डोर लगाने के बाद टेक्नीशियन ने मिरर बड़ी सावधानी से लगा दिया। तो अभी अलमीरा पूरी तरह से असेंबल हो गई है। तो आइए देखते हैं इस अलमीरा को। इसमें जो पहला शेल्फ है ये आप शर्ट्स को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये ड्रॉवर है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है जिसमें मेरे पति के 40 टी शर्ट्स आ गए हैं। और नीचे ये 2 शेल्फ दिए हैं जिसमें आप कभी कभी पहनने वाले कपड़े रख सकते हो। इस अलमीरा में 2 चाबी आती है। जब एक साइड का डोर लॉक होता है तो दूसरे डोर से एक्सेस नहीं मिलता है, यानी कि दूसरा डोर खुल नहीं पाता। तो ये अलमीरा उन लोगों के लिए अच्छा है जो पीजी में अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, वो अलमीरा शेयर कर सकते हैं। ये साइड का जो शेल्फ है वो मेरे लिए है। यहाँ पर ऊपर मैं अपने बैग्स रख सकती हूँ और इधर मैं अपने ड्रेसेस या साड़ी हैंग कर सकती हूँ। और इस ड्रॉअर में मैं अपना मेकअप का सामान रख सकती हूँ। यहाँ पे नीचे भी 2 शेल्फ दिए गए हैं जो आप जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस अलमीरा को परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।